नहीं पता कि एज होते क्या है, बट ग्राफ इज कलेक्शन ऑफ एज, ए ई जी ई डी जी ई. सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग. होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया. तो अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने के लिए. हमारे पी जी डी सी ए का सेकेंड सेम शुरू हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी एग्ज़ाम देने के लिए एच पी यू में. और पिछली बार की तरह इस बार भी हमको कुछ नहीं आता है, तो मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं पिछले सेमेस्टर में पास हो चुकी हूँ और मेरी दोस्त भी हो चुकी है, इन्होंने टॉप किया है. मैंने टॉप किया है लास्ट से तो मैंने किया है. बस स्टैंड से बालूगंज तक हमने ली बस, और उधर से आए हम लोग पैदल, क्योंकि हम लोगों को यहाँ के लिए बसें नहीं मिल रही हैं. तो हमने सोचा कि जल्दी से चले जाते हैं, क्योंकि 12 बज चुके हैं, और अगर हम और लेट हुए तो हम पहुँच नहीं पाएंगे. 12 नहीं, 1 बजने वाला है, 2 बजे से हमारे एग्ज़ाम है. और मैं आपको बता दूँ कि जब भी मेरे एग्ज़ाम होते हैं मैं हमेशा बीमार हो जाती हूँ, हमेशा हर बार. लेकिन जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होता है, पेपर देने जब भी जाती हूँ, तब मैं ठीक हो जाती हूँ, लगती नहीं कि मैं बीमार हूँ. पर मैं वैसे पढ़ ही नहीं पाती हूँ पेपर की. क्या आपको क्या लगता है ये सेम? नहीं, ये पेपर का बुखार हमारे दिमाग पर चढ़ जाता है. या जब पेपर होता तभी होती टेंशन एक साल भर. पिछली बार मैंने इतनी ज़्यादा टेंशन ली थी ना एग्ज़ाम की, इस बार मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, शायद इसीलिए मैं ठीक हूँ. और हमारी डेट शीट जो है ना 2 बार आई, तो जो पिछली बार वाली आई थी ना उसके बीच में बीमार हो गई थी, और इस वाली को भी कुछ हुआ, मेरे को पेट दर्द वगैरह शुरू हो चुकी थी. मैं आपको बता दूँ, जो शिव मंदिर वाला हादसा हुआ था ना, जो शिव मंदिर दबा था नीचे, तो वो यहाँ से ही आया है मलबा ऊपर एडवांस स्टडी के पीछे से, और वहाँ के लिए नीचे भाई बहुत ज़्यादा है, कितना डरावना है, सीधा ही हो गया बिल्कुल. ये देखो कितना भयंकर मंजर रहा होगा, देख के आई नीचे ऊपर से साली गिरने वाला नहीं तो। मरती मैं, ये देखो. और ये देखो उधर से आया हुआ है सारा के सारा. वहाँ पे है शिव मंदिर, वहाँ पे नीचे येलो येलो सी ये जैसी भी है, उसके नीचे है मंदिर. और अभी हम चले हैं अपने पेपर देने के लिए. कुछ भी नहीं आता, मतलब होता है एक नल आदमी होता है वो मैं ये तो लिख देती है खुद से, ये खुद से लिख देती है, पर मैं नहीं लिख पाती हूँ. तो देखते इस बार का क्या बनेगा. पिछली बार भगवान की दया से इतनी मन्नतें मांगी थी ना भगवान से कि आएंगे, जरूर आएंगे आपके दरबार, पास कर देना बस. इस बार देखते कौन से भगवान हम लोग को बचाएंगे. अभी कोमल गई है मेरा एडमिट कार्ड निकालने के लिए, उधर अंदर चली गई है और हम उसका वेट कर रहे हैं. इधर लगी है बहुत ज़्यादा भूख और हम लोग देख रहे हैं कि खाने के लिए क्या ले, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही है बेचारी. मेरे को नहीं भूख, के ले ले बेटा, सेब ले ले. आ गई है कोमल जी हमारा एडमिट कार्ड लेके, और आज ये सुंदरी बन के जा रही है एग्ज़ाम देने के लिए. तो पहुँच गए हैं हम लोग एच पी यू, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय. और कोमल किताबें खाई हुई है ना, किताबें खाई हुई, तब दिमाग जी रही. चलो पनु के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है तो ये खुद से कर लेगी, पर हम क्या करेंगे, हम तो राम जी. अभी इधर ही थे हमारे एग्ज़ाम, और इस बार भी हमारे इधर ही है एग्ज़ाम, और हम लोग निकल पड़े हैं अपने रूम की तलाश में. मुझे लगता है हमारे रोल नंबर लग गए होंगे, चल दिया. पहुंच गए हैं एच पी यू एग्ज़ाम देने के लिए, और हम भी लगे हैं तैयारी में, ढूंढती हूँ जरा क्या पढ़ना है, और आधा घंटा बचा है पढ़ने के लिए. तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम है, उधर ये वाला रूम मिला था हम लोग. दोस्तों अभी हम लोग जो है एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, और एक पेपर की टेंशन हमारी ख़त्म हो चुकी है. तो तुम्हारे पेपर कैसे हुए? बहुत अच्छे, तो ये है ब्रिलियंट बच्चे और हमें टफर बच्चे, ये तो रिजल्ट आने पर पता चलेगा. बस पास हो जाए इस बार भी. तो आज मैं जाऊंगी घर, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, तो मैंने सोचा कि आज वाले दिन आज मतलब घर ही जाऊंगी और कल वापस आ जाऊंगी. परसों मेरा एग्ज़ाम है तो वापस आ जाना है मुझे कल ही. तो ये तनु की न्यू रिंग है जो नेचुरली इसके हाथ पे आ गई है.
इसको तेरे से तो इस तितली को हो गया तनु से प्यार, कभी हाथ में ऊपर चढ़ रही है कभी नीचे आ रही है, इसको छुड़ाने की कोशिश करे पर ये उड़ नहीं रही है। ये देखिए आप देख सकते हैं सबूत, अब अगर आपको लग रहा है कि मजाक है तो ये मजाक नहीं, इसके हाथ में प्रेतरी है मरे और परे। तो हम लोग लास्ट सीट पे बैठे हो, ये देखो चौकड़ी मार के बैठे हो, बढ़िया अपने रिलैक्स होके, पूरी बस हमारी है क्या, जूते जूते खोल के देखो। तो ये है हमारे गांव की लोकल बस है, मतलब गांव की बस है, तो इसमें ज़्यादा रश नहीं होता है, तो जब रश नहीं होता है तो लास्ट सीट में बैठ जाते हैं हम लोग और अपने मज़े से रिलैक्स होकर जैसे मज़े हमको बैठना है वैसे बैठ जाते हैं। और मेरे लाइट लगी कहाँ आँखों में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, मैं हूँ वंदना है और हम लोग चले हैं घर के लिए। अंधेरा हो चुका है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था 2 से 5 बजे तक, तो अब बाट भेजना बंद हो चुकी है, तो हमको लगता है हमको मुंह पे नहीं नीचे रास्ते पे फ़ोन लगाना चाहिए प्रेशा। और हमारी बहन भी आगे चल रही है, आपको इसकी चेन चमक रही होगी। अब कर एक बार मेरे को इधर मिला था सूअर, मैंने सोचा भी भाग गए पर वो था सूअर, मम बोलो इस टाइम इन लोनो बेड़े ना। अब मैं अपने आप को कैसे रोक सकती हूँ कौन। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं घर और मम्मी इनको बोला हमने ऐसा कि हम गए नानी के घर, तो अब उनका बनाया तो है हमने पर शायद मम्मी ने कॉल कर दी है नीचे नानी के घर, तो अभी हम चुपके चुपके जाएंगे लैंटर के ऊपर से, पर रास्ता नहीं दिख रहा नीचे कुछ भी। ये देखो टफी भी आ गया ऊपर ही हमारी सुगंध सुन गई, चल चल चुप रहना टफू टफू भी चुप रहना चुप 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 भी चलिए चल चल। तो हम लैंडर के ऊपर से ही जाएंगे, आयुष्मान भव क्या आदत दी दी डांके उरी ब्लॉग बे यार चैनल लो ठीक हो बढ़िया लग रही कुछ बना यार। अभी हम लोग भी पहुंचे घर और लाइट भी चल गई, अब कैसे काम चलेगा, अब स्ट्रीट लाइट से हमको काम चलाना पड़ेगा। अरे हमारा गेम तो गाइस ये हमारी कल्लू रानी जिसको भी कुछ दिख गया है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग जो है इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा नहीं भी लगा होगा तो यार क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और व्लॉग देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए और दादी भी पहुँच गए हैं घर और दादी मुझसे बिना बताए खाने खाने लग चुकी है। देखिए हमारी दादी, आज दादी ने दांत लगाए हैं, देखिए दूसरा और शर्म करने वाली, इसमें क्या बात है मुझे बताइए।